हम आपको आज के मेहमान से अपने रूबरू कराते हैं। वैसे तो आज रविवार की सुबह आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारा बिहार बयान का ये जो स्टूडियो है ये संगीत की स्वर लहरियों से गुंजायमान होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही प्यारी सी गायिका, उभरती गायिका मौजूद है, जो कि आपको अपनी आवाज़ से और हमारे साथ जो संगत पर मौजूद है वो अपने साज से आपको झूमने पर ज़रूर मजबूर कर देंगे। आपको बताना चाहूंगी आज जो हमारे बीच विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित हैं आप हैं श्रेया कर्ण। आप एक बहुत ही जानी मानी उभरती गायिका हैं और साथ ही साथ हमारे साथ संगत पर मौजूद हैं प्रवीण कुमार जी, गौतम जी, शैलेंद्र जी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम बिहार बयान में। सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बेसब्र हो रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कि आज संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजेगी हमारे बिहार बयान के इस मंच पर, इस स्टूडियो में, किस गीत से आप शुरुआत करना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में? सबसे पहले बिहार बयान के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्ते करती हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। आज मैं जय जय भैरवी गीत से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे मिथिला में ये माना जाता है कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले गोसावनी गीत से शुरुआत करते हैं, तो इसलिए मैं आज जय जय भैरवी से जरूर गीत से शुरुआत करने वाली हूँ। संस्थिता
खूब बहुत ही खूब, वाकई आपकी आवाज़ में साक्षात सरस्वती माँ का वास है, बहुत ही मधुर आवाज़ हमारे दर्शकों को आज सुबह सुबह, आज रविवार की सुबह इतनी खूबसूरत आवाज़, और ईश्वर को स्मरण करने से बेहतर और क्या हो सकता है। अगर दिन की शुरुआत हम ईश्वर के स्मरण के साथ करते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर शायद कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा श्रेया, यूँ तो करियर के बहुत सारे विकल्प होते हैं, इन तमाम विकल्पों के बीच में आपने गायकी को चुना, आखिर क्यों और कब से? देखिए, रुझान तो मुझे बचपन से ही था म्यूज़िक को लेकर, क्योंकि मेरी मम्मी बताती है जब मैं छोटी थी तो जैसे स्कूल में पोएम और हिंदी पोएम इंग्लिश पोएम सिखाए जाते थे, तो मैं उस पोएम को भी गीत की तरह ही गुनगुनाया करती थी। तो इससे तो ये पता चलता है कि मुझे बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन ये कह लीजिए कि स्टैंडर्ड 5th में जब मैं गई थी, तब से मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक सीखना चाहिए, क्योंकि तब समझ में आया धीरे धीरे, बहुत सारे स्टेज शो किए मैंने, स्कूल प्रोग्राम किए, बचपन में तो स्कूल प्रोग्राम ही होता है, तो वो सारे मैंने किए। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अब सीखना चाहिए, तो क्योंकि पता नहीं कब कैसे म्यूज़िक बस मेरे अंदर बसते गया और पता नहीं चला कब फिर म्यूज़िक को मैं इतना मानने लगी। बिल्कुल, कब आपको पता नहीं चला कि कब आपकी जो ये संगीत है वो आपके जीवन में यूँ रच बस गया कि आपने उसे एक सीरियस तौर पर करियर के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सोचा। अच्छा श्रेया, अब कौन सा गीत है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाने वाली हैं? अब मैं हमारे दर्शकों को एक नचारी सुनाना चाहती हूँ। आज मैं सभी पारंपरिक गीत को ही गाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे पारंपरिक गीत हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उसको उजागर करूँ जी। तो बस नचाड़ी गाने वाली हूँ अभी, भोले बाबा का। ज़रूर। ही गौरी दूरी
बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, वाकई बहुत ही। इन सब गीतों को सुनने के बाद एक जो मन में सकारात्मक ऊर्जा का कहीं ना कहीं से प्रभाव होता है जब हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं। अच्छा श्रेया, आपसे जानना चाहूँगी कि यूं तो जो आपकी पीढ़ी के गायक गायिका हैं उन सभी का झुकाव कहीं ना कहीं उन नए ज़माने के गीतों की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन आप में एक खासियत देखी मैंने अब तक कि पारंपरिक गीतों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है, और आपने बताया भी कि पारंपरिक गीत विलुप्त होते जा रहे हैं, तो आप उनकी तरफ, आपका, आपकी तरह ही जो गायक गायिका हैं उनकी तरफ अगर आगे बढ़ें तो हमारे वो जो गीत हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं तो उनको आज हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। झुकाव पारंपरिक गीतों की तरफ ज़्यादा है, कुछ ख़ास वजह है इसकी? वजह यही है कि हम मिथिला से बिलोंग करते हैं, तो मिथिलांचल गीत से लगाव ज़रूर होना चाहिए। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि हम जितने भी हैं मिथिलावासी बिहार के, उन सभी को लगाव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगाव नहीं रखेंगे तो फिर और कौन रखेगा। तो हमें इस गीत को और बहुत सारे कंट्री, हर देश में सुनाने की ज़रूरत है ताकि लोग सुने और पसंद करें। बिल्कुल, ये तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है और कर्तव्य भी बनता है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को आगे लेकर जाएं, और हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी होती है। अच्छा श्रेया, अब कौन सा गीत है जो आप हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुति जिसकी देने वाली हैं आप? अब मैं एक शारदा सिन्हा जी का गीत है जी, कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा। बिल्कुल, हम चाहेंगे चार लाइन आप उस गीत के जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मुझे
बहुत ही खूब वाकई। और जब आवाज़ के साथ साज का मिलन हो जाता है ना, तो वाकई माहौल ही कुछ अलग ही हो जाता है, बिल्कुल माहौल बदल जाता है और किसी को भी झूमने झुमाने पर मजबूर कर देता है। श्रेया, आपसे जानना चाहूँगी, गायकी में अगर आपके आदर्श को मैं जानना चाहूँ, हमारे दर्शक जानना चाहें, कौन है आपके आदर्श गायकी में? मैं बचपन से लता मंगेशकर जी का गीत सुनते आई हूँ, और जब से मुझे म्यूज़िक में समझ आई म्यूज़िक की, तब से मैं उन्हीं के गीत को सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ। और उनका जगह तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो साक्षात सरस्वती माँ है। लेकिन उनके अलावा अभी मैं जिनको इंस्पिरेशन मानती हूँ, वो तुलसी कुमार मैम है, और वो बहुत सुरीली है, मुझे वो बहुत सपोर्ट भी करती है हर एक चीज़ में, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि उनका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। वो बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। आपने बताया कि लता मंगेशकर जी को आप सबसे पहला आदर्श मानती हैं, शायद होश संभालते आपने उनको ही देखा जाना और उनकी संगीत को आपने एक आदर्श के तौर पर माना। कोई ऐसा गीत जो उनका आप गुनगुनाना चाहेंगे इस वक्त उनको श्रद्धांजलि देते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, चार लाइन चाहेंगे हम उसके। क्या बात है, वाकई स्वर साम्राज्ञी और जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपका यह गीत बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। माता पिता का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपको श्रेया? माता पिता का सपोर्ट तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर माता पिता का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं। मम्मी मेरी बचपन से ही बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं म्यूज़िक में मेरा समझ आया, मुझे लगा सीखना चाहिए, तो सबसे पहला सपोर्ट मेरे घर से मेरी मम्मी का ही था जी। वो मुझे बहुत सपोर्ट की और मेरा एडमिशन करवाई म्यूज़िक क्लास में। उसके बाद मेरे पापा को भी लगा, तो पापा भी बहुत सपोर्ट करते। आज मेरे पापा मेरे साथ आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बाकी घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब मुझे बहुत, अंकल हो या फिर जो भी हो, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जाहिर सी बात आगे बढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है, परिवार का समर्थन जो है, उसका सपोर्ट जो है, बहुत मायने रखता है किसी भी शख्स के लिए। अब हमारे पास चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है श्रेया, लेकिन हम चलते चलते चाहेंगे कि आप कोई एक गीत जो है हमारे दर्शकों के लिए गाते चले चार लाइनों में। ठीक है, मैं अभी दर्शकों को कजरी सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा है। जी, बरसी रे
आपको, वाकई बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ और उतनी ही खूबसूरत बहुत बहुत शुक्रिया आश्रेया, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतना सुंदर गीत गाया और हमारे दर्शकों की सुबह को है जो स्वर लहरियों से गुंजायमान कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी मुझे इस मंच पर इन्वाइट करने के लिए। साथ ही साथ तमाम संगत कलाकारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, प्रवीण जी, गौतम जी और शैलेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम? आपको उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा आज का ये कार्यक्रम जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा।